लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री बड़गांव भीला रोड खंडवा। सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कृपा करें। हम जो बोल रहे हैं, हम कोई किराए के आदमी नहीं, हम स्वयं किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं, जिसमें पटवारी जी जो मार्च अप्रैल में हमारे खेतों में प्याज पैदा हुई थी, पटवारी को मैं नहीं, दादा इधर देखो ना कैमरे के सामने, मैं नहीं, पटवारी जी को मेरे गांव के कम से कम 12 से 18 किसान पकड़ के ले गए कि चलो पटवारी जी हम तुमका खेत बतावाएं, है नहीं। ओका बाद पटवारी जी का कोटवार मानकर और महाराशरी का बहुत सा बुजुर्ग भाई चौपाल पर पंचायत में, यहाँ तक कि एक दिन हमने तहसीलदार महोदय का भी उबहू दो आदमी ने जाई ने बताया तो कि साहब हमारे गांव में प्याज का सर्वे नहीं हुआ है, कृपया आप ध्यान देकर इस कार्य को करवाएं। तो पटवारी तहसीलदार महोदय ने बोले तो कि हाँ भैया मैं करवा रहा हूँ, हो जाएगा। और फिर पटवारी को हमने जब प्याज पकड़ पकड़ के दिखाया तो पटवारी जी को ये भी दिखाया कि आप देख लियो कभी हम खाना पुर तो एक प्याज भी हो ढेर में तो बताओ। तो पटवारी जी को क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव को उचित जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है, वो जिन किसानों ने प्याज लगाई है उनको पैसा मिले, और हमारे गांव में जो सोयाबीन खराब हुई है वो सोयाबीन का भी उचित सर्वे कराए, क्योंकि सर डाभी गाँव एक ऐसा गाँव है जो मध्य प्रदेश खंडवा जिले की आखिरी बॉर्डर पर, वहाँ आज तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, और अधिकारी हल्की ज़मीन है, बारिश भी कम हुई है, सोयाबीन का सर्वे अतिशीघ्र होना चाहिए और सब किसानों को। क्या है अगर आपकी मांग पूरी नहीं? सर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम तहसील कार्यालय के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बीवी बच्चों करेंगे वही दाल बाटी बना के, बीवी बच्चों को भी लाएंगे, ढोर केर को भी लाएंगे, वहीं बांधेंगे सब, वहीं रहेंगे। नाम मेरा नाम है गजेंद्र सिंह मंडलोई, मैं डाबी रहता हूँ, किसानी करता हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं कोई राजनीति। क्या समस्या लेकर आप कलेक्टर ऑफिस आए थे और क्या आश्वासन मिला है? भैया हम ये समस्या लेकर आए थे कि जो अभी प्याज की जो फसल का सर्वे हुआ था तो हमारे ग्राम पंचायत डाबी में ना तो सर्वे हुआ भैया सामने देख के, और ना ही किसी किसान को उसकी राहत राशि या मुआवजा बोल सकते हैं मुआवजा मिला है। और तहसीलदार और पटवारी जी इस चीज़ को अवगत करवा चुके थे हम लोग, और उसके बाद भी उन्होंने हमारे गांव में ना तो सर्वे करवाया और ना ही किसी को उसकी मुआवजा और राशि मिली। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि सर अगर तुम सब दूर बांट रहे हो तो हम लोगों को क्यों डांट रहे हो? हम भी तो किसान हैं, हमारा गाँव पश्चिम निमाड़ बॉर्डर पर है, पंधाना से 15 किलोमीटर पड़ता है, खंडवा से 35 किलोमीटर पड़ता है। तो क्या हम लोग क्या मतलब हम तो ये आश्वासन में रह गए थे कि भैया हमारे यहाँ भी मिलेगा, हमारे यहाँ 90% किसान प्याज की खेती करते हैं। क्या स्थिति हुई थी उस समय? उस समय प्याज की स्थिति लगभग बारिश गिरने से 90% प्याज खराब हो गई थी। सर्वे हुआ था आपका? हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो पाया? ठीक है देख लूँगा, ठीक है देख लूँगा, और पूरे समय उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया ऐसे कैसे बोलते बोलते। तो हम लोग ये सोचते रहे कि चलो ठीक है यार, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो जाएगा, पर वो पूरा समय निकल गया। उसके बाद पटवारी से बात होती है, बोले मैंने आप लोगों के नाम डाल लिए हैं, और बोले मैंने दे भी दिए, इतनी बात उन्होंने बोली हम लोगों को। अब तो पटवारी हड़ताल पे, पटवारी हड़ताल पे तो हम लोग किसान हैं, हम लोग तो सरकार की साजिश है कि सरकार मंगेंगे। ये तो पटवारी को जवाब देना है कि तुमने क्या करा है। सर पटवारी को कौन पटवारी आपके? हमारे यहाँ पटवारी हरिओम तिरोले। आपका नाम बता दो। मेरा नाम सचिन सावनेर है, मैं भाजपा किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ, पर अगर किसानों की बात है तो किसानों की बात तन मन धन से उठाएंगे भैया। ठीक। खंडवा जिले की लास्ट बाउंड्री पर हमारा गांव है, जो गांव है ग्राम डाबी। ये समस्या हर गांव की थी, लेकिन हर गांव में पैसा मिल चुका है। अच्छा। लेकिन हमारा एक गांव है जो 90% प्याज की खेती पर निर्भर रहता है। पटवारी ने आश्वासन हर किसान को दिया कि मैं कभी किसी ग्रामीण को दूसरे गांव में मिला तो मैं आपको मेरी जेब से दूंगा, लेकिन आज वो खुद मुकर रहा है। और ये सरकार की जानबूझकर साजिश है कि पटवारी हड़ताल पर रहे, और हड़ताल होने के कारण जो भी अभी बारिश ना आने के कारण फसलें खराब हुई है,
इसका मुआवजा नहीं दिया जाए और चुनाव आ जाएगा और आने के पहले ही सोची समझी साजिश के कारण ये हमको दौड़ा रहे हैं किसानों को और मुआवजा नहीं देंगे। और हम कलेक्टर ऑफिस से यही अपील करने आए हैं कि किसानों को थोड़ी बहुत जो राशि आई है वो प्रदान देने की। कलेक्टर से मिले क्या बात हुई? कलेक्टर महोदय ने गलती बताई है पटवारी जी की भी कि पटवारी को हम बुलाएंगे लेकिन वो हड़ताल पर है। हड़ताल पर तो अभी 15 दिन से, लेकिन इसके पहले कहाँ गए थे पटवारी? अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती क्या करेंगे? इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे और रुद्र आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन सब करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा सेलन सिंह तोमर नाम है। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंथाना रोड, खंडवा।